पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में पर्यटन विभाग एवं IRCTC के मध्य देश के विभिन्न क्षेत्रों से राज्य के अल्पज्ञात गंतव्यों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन मानस एक्सप्रेस चलाए जाने के लिए अनुबंध किया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से डॉक्टर हरीश रेतोलिया अपर मुख्य अधिकारी तथा IRCTC की ओर से समूह महाप्रबंधक सुनील कुमार द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटन विभाग की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे हमारे राज्य की सुदूरवर्ती मंदिर गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन अब रेल की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। वहीं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसमें उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे क्रिएटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेटर लिमिटेड के बीच मानसखंड मंदिरों तथा अन्य स्थलों के बीच प्रसार प्रसार हेतु संचालित किए जाने के लिए आज एक MOU भी साइन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन का यह नूतन प्रयास भारत के सुदूर इलाकों की सैलानियों को उत्तराखंड के विभिन्न अल्पज्ञात दर्शनीय स्थलों तक पहुंचाने में कड़ी का काम करेगा। तो एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे कि हमारे सुदूरवर्ती जो हमारे मंदिर हैं, गंतव्य स्थान हैं, डेस्टिनेशंस हैं, ये अब रेल की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। और जब ट्रेन काठगोदाम रुकेगी, उसके बाद बस सर्विस के जरिए ये लोग अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और वहाँ दर्शन कर सकेंगे। मानस खंड माला के लिए ये बहुत ही सुंदर कनेक्टिविटी है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेलवेज ये मिल करके इसका MOU साइन किया है। मैं निश्चित रूप में सभी पर्यटकों से आग्रह करता हूँ कि मानस खंड में आइए और यहाँ पर आदि कैलाश, ओम पर्वत जो अलभ्य स्थान है, उनका दर्शन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।